चार दिन पहले एक महाराज उनके पत्रकार के साथ भी गोली लगी है, उसमें अभी तक पुलिस के अनुसंधान में क्या हुआ है? उसके अनुसंधान में पुलिस को कुछ फुटेज वगैरह के आधार पर अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। बीते चार रोज पहले पत्रकार पर हमले के बाद आज सहारनपुर के DIG विकास कुमार पहुंचे हुए हैं महाराजगंज। उन्होंने पुलिस पदाधिकारी के ठीक आवास के सामने पहुंचे हुए, तस्वीरें दिखा दे कि ठीक उनका आवास पे पहुंचे हुए, उनका गाड़ी लगा हुआ है। वहीं सिवान के पुलिस कप्तान शैलेश कुमार सिन्हा पहुंचे हुए हैं और लगातार महाराजगंज अनुमंडल में क्राइम का ग्राफ बढ़ने को लेकर सहारनपुर के DIG पहुंचे हुए हैं और महाराजगंज अनुमंडल के सभी थाने के पदाधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बीते शनिवार को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, रविवार को और बीते शनिवार को बेखौफ अपराधियों द्वारा महाराजगंज में दिन दहाड़े एक पत्रकार को गोली मारकर घायल कर दिया गया। वो अभी सुरक्षित है, लेकिन आज सहारनपुर के DIG विकास कुमार अनुमंडल पुलिस अधिकारी के आवास पर पहुंचे हुए हैं। दिखा दे मंडल अधिकारी के ठीक आवास पर पहुंचे हुए और सारण के DIG जो है विकास कुमार पहुंचे हुए, SP जो है पुलिस कप्तान सिवान के शैलेश कुमार सिन्हा भी पहुंचे हुए और तमाम मुद्दे पे बातचीत हो रहा है। हम DIG जो है सारण रेंज के विकास कुमार, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है कि अभी चार रोज हो गया और अभी तक पुलिस जो है अपराधी के पास नहीं पहुंच पाई है, कब तक इस मामले का खुलासा और इस मुद्दे को लेकर भी हम सारण के DIG विकास कुमार से बात करने का प्रयास करेंगे। महाराजगंज अनुमंडल अंतर्गत जितने भी थाने हैं उसमें गंभीर प्रकृति के जो लंबित कांड हैं उनकी समीक्षा की गई है और गुठनी थाना के भी हत्या और हत्या के प्रयास के कांडों की समीक्षा की गई है।